गया जिले के मोहड़ा प्रखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर पर्यटन विभाग बिहार और जिला प्रशासन गया द्वारा संयुक्त तत्वाधान में तपोवन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद, विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार, अत्रि विधायक अजय यादव, विकास आयुक्त विनोद दुहन समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य कलाकार विपिन सचदेवा ने अपनी प्रस्तुति दी। मकर राशि में प्रवेश करता है जोरदार तालियों के साथ और भी प्रोग्राम के साथ ये उद्घाटन दरभंगा राज परिवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला है। मिथिला से दरभंगा राज परिवार को निमंत्रण मिलने से मिथिला वासियों में खुशी की लहर है। दरभंगा राज परिवार से जुड़े कपिलेश्वर सिंह सहित 3 लोगों को आमंत्रण पत्र मिला है। सीता की जन्मभूमि से होने की वजह से राज परिवार ढेर सारा उपहार लेकर अयोध्या रवाना होगा। वहीं कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भव्य अवसर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर हमारे परिवार को मिला है। निश्चित रूप से यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जिसके कारण हमें ऐसा अवसर मिला है। और ये तो सौभाग्य की बात है, बोल रहा है जो इतना सिर्फ 6,000 लोग हैं जिसमें 4,000 संत ही हैं और सिर्फ मात्र 2,000 जेंट्रीज हैं और उसमें मैं हूँ, तो ये तो मतलब मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में जिसका, या मेरे पितर का सारे ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग का ब्लेसिंग्स है जो मैं कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। उम्मीद थी सर, आपको उम्मीद थी कि आपको न्याय समिति की तरफ से जो है निमंत्रण आएगा इसमें, और आएगा तो फिर आप किस रूप में जाएंगे वहाँ? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। सर, इन्होंने कहा कि राजघराने, इनका कहना है कि जो सामान्य तरीके से व्यवस्था होगी उसी के तहत हम रहेंगे, एकदम रहेंगे। अब वहाँ पे कितने लोग हैं जो होटल में भी रह रहे हैं, तो हमें आया था जो आप कहाँ रहेंगे, तो मैंने कहा जो नहीं, जहाँ पे रामलला जी का हो रहा है, जहाँ टेंट्स लग रहे हैं, वहीं पे हम लोग रहेंगे और उसका एक भाग बनेंगे हम लोग। आखिरी सवाल सर जी, माँ जननी सीता की जन्मभूमि है, तो जब यहाँ से अवध जाएंगे यानी कि सीता के ससुराल जाएंगे तो क्या खास तोहफा लेके जाएंगे? देखिए, राम जी के लिए क्या ला सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग सीता जी के हैं तो हम लोग, मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका चांदी का और तीर धनुष लेके जा रहे हैं। सर, आपके पूर्वजों का सिंबल भी होगा क्या, मतलब गंगा का सिंबल? हाँ हाँ, और प्रतीक चिन्ह भी होगा। 6,000 कुल लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में, जिसमें दरभंगा से प्रमुख रूप से मिथिलांचल से हमारे कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को यह आमंत्रण मिला है। ये और इनकी धर्मपत्नी और इनका पुत्र, ये तीनों लोगों को वहाँ पर आमंत्रण मिला है। वह आमंत्रण पत्र देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और इस राज परिवार के समारोह में उनको यह। तो लवकुश यात्रा रथ पटना से चलकर विभिन्न जिले में घूमते हुए राजगीर पहुंची, जहां भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने सबसे पहले स्वागत किया और उसके बाद रथ को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि लवकुश समाज के लिए आज के दिन गौरवशाली क्षण साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने तेज प्रताप द्वारा भगवान राम को सपना में आने दर्शन दिए और फिर 22 जनवरी को रामलला को नहीं आने की बात पर कहा कि सबसे पहले उनको बधाई देते हैं जो उनके सपने में भगवान राम आए हैं। राजगृह ये राजधानी रही है और बरसों तक मगध साम्राज्य यहाँ था और लवकुश यात्रा जितने हमारे साथी हैं, आप जानते हैं इसके संरक्षक, इनका भी आप सुन रहे थे, हमारे जीपी वर्मा जी, ये बहुत ही समाज की सेवा में, समाज को जोड़ने में हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं और हमारे जितने साथी इसमें सब हिस्सा लिए, उसमें संयोजक की भूमिका में हमारे नूतन पटेल जी रहे, जो प्रवक्ता हमारे नरेश महतो जी रहे और इसके प्रभारी हमारे सतीश कुशवाहा जी रहे और सदस्य के रूप में हमारे श्री पूजन सहाय जी, अपना मुकेश वर्मा जी बहुत ही उत्साही हमारे साथी हैं, सदस्य हमारे आद्रिका चौधरी जी और सदस्य हमारे वीरेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों ने अपना पूरा समय दिया है। ये जो संकल्प इन्होंने लेकर के यात्रा जो निकाली है, अभी वर्मा जी सही कह रहे थे, एक्चुअली ये हम लोग जो है एक तरह से आभार यात्रा है जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रकट करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि लवकुश
राम के पुत्र रहे, तो हमारे वंशज राम हैं। और राम का जो मंदिर है, जो मकान है, 500 वर्षों के बाद फिर से भव्य मकान बना है, तो उनके जो वंशज देश में हैं, जितने उनके अनुयायी हैं, जितने जिनको वो आराध्य मानते हैं, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास करके जो लवकुश समाज है उसके लिए तो और भी खुशी की बात है, कि उनके पिताजी का जो आलिशान भव्य मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हुआ है, उसके लिए हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। राजगृह ये राजधानी रही है और वर्षों तक। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा में वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर राजगीर में वनभोज का आयोजन किया गया और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी इस वनभोज में शामिल हुए। साथ ही जेडीयू के कई कार्यकर्ता भी वनभोज में पहुंचे। वनभोज में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार ही नहीं, नेपाल से भी कई लोग इस वनभोज में शामिल होने पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे जिले के लोग भी इस वनभोज में पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमारा लगभग 45 साल से ये चल रहा है। और पहले तो छोटा होता था, पहले तो क्षेत्र भर के लोग आते थे, अब जिला भर के लोग आते हैं, अब तो जिला से भी आगे जहाँ जहाँ से लोग संपर्क है, नेपाल से भी कुछ लोग आए थे, गया से आए थे, क्या बोलते हैं, रक्सौल से आए थे, ये कब से पूरा से आए हुए हैं, नवादा से आए हुए हैं, ये जमुई से आए हुए हैं, बहुत जगह के लोग आए हुए हैं। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो संपर्क में रहते हैं वो चले आते हैं। ये खिचड़ी गर्म झरने के पानी से बनता है और गर्म झरने का ही पानी का इस्तेमाल पीने में भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका होता है। टेस्ट के बारे में तो हमसे ज़्यादा उन लोगों से पूछिएगा जो लोग इसका आनंद उठा चुके हैं। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।